हाय गाइस, आप लोगों को शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है जो मैं यहाँ क्लियर करने आई हूँ। और मैंने कहा था कि मैं ये स्टोरी दो एपिसोड्स में कंप्लीट करूँगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ये स्टोरी को आधी छोड़ दूँगी। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ये स्टोरी मैं पूरी कंप्लीट करूँगी। बस इतना ही होगा कि अब से ये थोड़ा मैं लंबा कर दूंगी टाइम ड्यूरेशन, जैसे 2 घंटा या 3 घंटा, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। नहीं तो फिर हो सकता है आप लोग भी इस स्टोरी से बोर हो जाएं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसको थोड़े लंबे भागों में करके कंप्लीट कर दूं। और आप लोगों के दिवाली विशेस के लिए आप सबको सेम टू यू, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे के चैप्टर को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सी और यी ने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं, और फिर उन लोगों ने कहा था कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए करके, और वो लोग वहाँ से चले गए थे। तो अब हमारा सी और यी जो है वो अपने घर आते हैं, और यी वो कुर्सी पे बैठता है, और तभी वो पूछता है क्या तुम शुरू करो इससे पहले क्या मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूँ क्या, आखिरकार ये एक इम्पॉर्टेंट बात है करके। तो सीईओ एक फ़ाइल निकालता है और यी को दिखाता है। यी समझ नहीं पाता कि इस फाइल में क्या है, और पूछता है कि इस फाइल में क्या है करके। और तभी सीईओ बोलता है कि ये जो है मेरे कंपनी के शेयर्स हैं, और इसमें बहुत सारे असेट्स भी हैं, और जो है और मेरा डिपॉजिट भी है, और सम जो है थोड़ा रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट किए थे, प्रोजेक्ट्स में जो किए थे, ये सब उन सब के बारे की फ़ाइल है करके। मतलब इन शॉर्ट उसकी प्रॉपर्टी के फाइल्स हैं। तो ये एकदम से चौंक जाता है और बोलता है भाई तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो हमारा सीईओ बिल्कुल टशन में बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब सीईओ बोलता है कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है करके। तो ये थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है भाई रुको, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें कोई चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कस करनी है, और यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें तुम्हारा प्रॉपर्टी डिवाइड करना है करके। और तभी सीईओ बोलता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हम लोग इससे पहले रूरू के बारे में बात करें, मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तुमसे विनती है करके। तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या विनती है करके। तो सीईओ बोलता है जब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तो जानने के बाद तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे करके। सीईओ भी बहुत नर्वस होता है इस वक्त, और जब तक तुम मेरे से ब्रेकअप नहीं करोगे और तब तक मैं तुम जो भी बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ करके। तो ये बोलता है क्या वाकई में ये बात बहुत ही सीरियस है क्या। तो ये सोचता है लेकिन मैं तुमसे ऐसा कैसे प्रॉमिस कर लूँ बिना जानने, तो पहले तुम मुझे बताओ उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा करके। तो सीईओ एकदम से पपी आइस बना के देखने लगता है कि भाई मेरे से गलती तो हुई है लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तो सीईओ फट से जाता है और यी के गले लग जाता है और उसको हक करता है, बोलता है कि नहीं नहीं पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझ में हिम्मत कहाँ से आएगी तुम्हें ये सब बताने की। तो यी बोलता है ठीक है तुमको मैं अपने वर्ड्स देखता हूँ, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जाने के बाद भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा। तो जब सीईओ बताता है कि उससे क्या मिस्टेक हुई थी, तो हमारा यी के दिमाग में वो बात आती है कि जब वो ये अपनी प्रेगनेंसी के लिए जाता है, मतलब रूरू का जब जन्म होता है, तो वहाँ पर क्लिनिक से कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, और उसका जो बेबी करने के लिए अनिश था वो स्विच कर दिया गया था, मतलब बदल दिया गया था। तो सीईओ बोलता है सॉरी, उस वक्त मेरा सारा फोकस जो था वो इस बात पे था जो मैं चाहता हूँ, मैंने कभी भी किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के अंजाम का कभी भी कोई कंसिडरेशन नहीं किया था, और मैंने कभी तुम्हारे फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा बाद में करके, और तभी मैंने तुम्हारा जो बेबी के लिए अंश था उसको मैंने सेव करके रख दिया था, और रूरू जब बड़ा हो जाता तब मैं तुम्हें बता देता।
और मैंने ये भी सोचा था कि मैं उन लोगों से बोलूँगा कि बाद में तुम्हारे बेबी को भी डेवलप करें, मतलब ये जो बेबी हुआ था बेसिकली इनका टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, तो उसका जो प्रोसेस था वही इसमें बताया गया है। और मैंने ये भी सोचा था कि बाद में जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा, मतलब तुम्हारे अंश से जब तुम्हारा बेबी होगा, तो मैं उसे तुम्हें दे दूँगा और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें भी कंपनसेट करने वाला था। तो ये थोड़ा सा गुस्सा होता है, बोलता है तुम वाकई में बहुत ही ख़राब इंसान हो करके। तो सीईओ थोड़ा दुखी होता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया था पहले। तो ये बोलता है कि तुमने कभी भी ये कंसिडर किया, कभी भी ये सोचा कि जो रूरू है वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, और जब हम उसे इस दुनिया में लेके आए तो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी, और तुमने क्या किया, और तुमने सब रूरू का जो पूरा लाइफ था पूरा बदल दिया, क्योंकि रूरू जो है वो सीईओ के अंश से पैदा हुआ है और वो यी का अंश नहीं है। तो बेसिकली टोटली अलोन वो सीईओ का बेबी है, लेकिन उसे पाला यी ने है। अब क्या होता है, ये बोलता है कि तुमने इतने समय तक तो मुझे ये बात बताई नहीं, फिर अब क्यों बता रहे हो करके। और तो और मेरा तुम्हारे साथ बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, मतलब अब ये के भी मन में सीईओ के लिए फीलिंग्स हैं, तो वो कैसे नाराज़ हो सकता है करके। और तभी ये बोलता है कि यदि तुम यहाँ ये बताने के लाए हो कि मेरा एक और एक बच्चा है जो आउट ऑफ द ब्लू पैदा हो गया है, और तुम ये बोलो कि ये मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तो ये मैं बिल्कुल मानूंगा नहीं करके। तो सीईओ बोलता है कि देखो तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, और ये मेरा सिर्फ एक प्लान था। और तभी ये सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा क्या और काम डाउन होगा, यदि ऐसा नहीं होता तो पहले से ऐसा नहीं होता, मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती तो क्या मुझे इतना नर्वस होने की ज़रूरत थी क्या। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते क्या बोले। तो सीईओ बोलता है एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं वाकई में तुमसे प्यार करता हूँ क्या और क्यों, तो मैं तुम्हें बताता हूँ करके। तभी ये बोलता है कि नहीं तुम सब्जेक्ट चेंज करने की सोचो मत करके, और मैं अभी भी जो हूँ मैं मुझे कैसा फील होता है उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ करके। और तभी सीईओ बोलता है लेकिन मैं तुम्हें इतने सालों से देखता आ रहा हूँ। जब ये रूरू पैदा हुआ था तो सीईओ उनके सामने नहीं आया था, लेकिन वो अपने लोगों को उस यी के ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ रखा था, तो इस तरीके से उसने यी को एक तरीके से स्पाई जैसा किया था। और सीईओ बोलता है कि जब से रूरू पैदा हुआ है तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और वो भी एक दिन नहीं हर दिन, और मैंने रूरू का बचपन ज़रूर मिस किया है लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। और मैं पहले बहुत ही स्ट्रेंजर जैसा था, मतलब उस टाइम पे जब रूरू पैदा हुआ था तब मैं एक स्ट्रेंजर था, अब पर तुम और रूरू मेरे लिए एकदम ही फैमिलियर लोग हो, और तुम लोग मेरे बहुत ही करीब हो करके। तो ये मन में सोचता है कि जो तुमने किया वो सिर्फ ऐसा था कि लोग तुमको देख सके करके, और तुमने ये सब गलत किया। और मैं कभी भी तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं अपनी आंखें तुम पे से नहीं हटा पा रहा था, और धीरे धीरे मेरी भी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बढ़ने लग गई, और मैं तुम्हारे हर इमोशंस का केयर करने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो सीईओ बोलता है जब हम एक दूसरे से मिले तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब ये बात सुनता है और उसको बहुत ब्लश होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। और सीईओ बोलता है इसीलिए मेरे फीलिंग्स जो थे तुम्हारे लिए बहुत मिक्सडअप थे, और मैं ये उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो सारा ध्यान है वो सिर्फ रूरू के ऊपर है, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। इन दी एंड मैं तुम्हारे इसको प्यार करने लग गया था,
और मुझे बहुत ही रिग्रेट है, पछतावा है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है करके। और लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि हम दोनों अब एक साथ है करके, और हम लोगों ने इतने समय से एक दूसरे के साथ समय बिताया है तो मुझे अभी बहुत खुशी होती है। और मैं ये तुम्हें सच पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि यदि मैं तुम्हें अपना सच बता दूंगा कि मैं कितना सेल्फिश था और सिर्फ मैंने अपने बारे में सोचा, तो हो सकता है कि तुम मुझे कभी माफ़ ना करो करके। और मुझे ये भी डर था कि शायद तुम सच जाने के बाद मुझे छोड़ के चले जाओगे। लेकिन मैं ये जानता था कि आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें ये सच्चाई बतानी पड़ेगी। और मैंने सोचा कि मैं फिर तुम्हें बहुत लेट बताऊंगा, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो गया और शायद अब सही टाइम है जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। ऐसा कह के वो यी का हाथ पकड़ता है और तभी यी बोलता है, यदि मैं ऐसा कहूँगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो ये ज़रूर झूठ होगा क्योंकि इस चीज़ का असर मेरे पे भी पड़ा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये जो ना सब पीछे का पास्ट याद करने लगता है कि कैसे रूरू उसके साथ बड़ा हुआ, कैसे वो लोग अपना एंजॉय करते थे। और वो बोलता है कि मैं, क्योंकि तुमने रूरू को मेरे लाइफ में लाया है, इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। और ये एक टाइम ऐसा था जब मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और जब रूरू का जन्म हुआ तो मुझे अपने जीवन में एक सर्टेनिटी दिखाई दी कि मैं कुछ कर सकता हूँ करके। और उसी टाइम मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक बच्चा करूँगा, और मैं उस टाइम पे श्योर नहीं था कि मैं फादर बनना चाहता हूँ कि नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइफ कैसे चलेगा। और तभी अब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है, और मैं भी तुमसे बेहतर नहीं हूँ करके। और जब रूरू पहली बार आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे और रूरू के बीच में एक कनेक्शन है, और तभी मैं समझ गया कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर रूरू को लेके, वो वर्थ इट हैं करके। और मैंने अपना सब कुछ रूरू को दिया, जहाँ तक जितना भी मैं कर सकता था मैंने सब कुछ रूरू के लिए किया। और मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि रूरू जो है वो हेवंस का गिफ्ट है करके, लेकिन वो एक्चुअली हेवन का गिफ्ट नहीं, वो गिफ्ट मुझे तुम्हारे द्वारा मिला है करके। तो सीईओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये एक डीप बात है। तो ये बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा क्योंकि तुमने जो किया है वो एक बहुत ही ऐसी गलती है जिसे हम माफ़ नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें माफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी में रूरू को लेके आए हो करके। इसीलिए वो सीईओ को माफ़ कर देता है, और फिर सीईओ यी का हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है थैंक यू सो मच। और बाद में वो उससे माफ़ी भी मांगता है जो उसने किया उसके लिए। और तभी वो बोलता है, ठीक है अब ये सारी बातों को हमको बरी करना चाहिए, और हमें इन बातों को कभी भी दोबारा नहीं उठाएंगे अपन जीवन में। तो सीईओ एग्री कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये जो है बोलता है कि यदि अभी भी कुछ ऐसी बात है जो तुमने मेरे से छुपाई है तो अभी तुम मुझे बता दो, अभी के अभी मैं सब कन्फेस कर लो, क्योंकि अभी मैं जो हूँ तुम्हें माफ़ करने के मूड में हूँ, और ये वाला चांस तुम्हें बाद में कभी नहीं मिलेगा। और तो सीईओ बोलता है, ये जो बात थी वो मेरे दिल में इतनी ज़्यादा अटकी हुई थी कि मुझे बहुत हैवी फील होता था, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ जब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। तो और तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सीईओ बोलता है कि एक प्रॉब्लम और है कि जो तुम्हारा बच्चे करने के लिए सैंपल लिया गया था वो कुछ तो हो गया जिसकी वजह से वो कहीं खो गया है। तो ये इस वक्त सोचता है कि हाँ खो गया है, कहाँ चला गया। तो सीईओ बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पता करवाने के लिए लोगों को लगा रखा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो सैंपल था वो कहाँ गया।
तो ये ना बहुत रिलैक्स हो जाता है और बोलता है, अरे अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन का एग था, मतलब जो उसका सैंपल था, वो ये लोग कभी भी दे सकते हैं ना, बॉयज़ तो कभी भी सैंपल दे सकते हैं। और तभी ये बोलता है कि अब हमारे पास वैसे भी रूरू है, तो मुझे और अब कोई और बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यदि मेरा सैंपल खो भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीईओ बोलता है कि लेकिन तुम्हारे माता पिता, तो ना ये ना एकदम से चिढ़ जाता है और बोलता है, अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे, अब चूंकि ये तुम्हारा किया हुआ सब मैस है, तो इसे तुम्हें ही क्लियर करना पड़ेगा। और जब तुम ये सब कर रहे थे, तब क्या तुमने इतना सब कुछ सोचा था कि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा? तो सीईओ बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं गलत था करके। अब दिखाते हैं कि हमारा रूरू जो है वो सो रहा है और गहरी नींद में है, और वो एज़ यूजुअल जब भी सोता है उसको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, और बेसिकली उसके सारे ड्रीम्स उसके डकी प्रिंसेस के ही होते हैं। तो इस ड्रीम में भी उसको एक डकी दिखाई देती है। अब क्या होता है, रूरू बोलता है, इस डकी का नाम मैंने तुम्हें बताया था पहले कि इसका नाम उसने बिग हेड रखा है, तो वो बोलता है, बिग हेड क्या तुम रो रहे हो? अब दिखाते हैं ये बच्चे को, ये बच्चा जो सीईओ के अंकल की छोटी बहन को अभी उन्होंने करवाया था, पिछले एपिसोड में आपने देखा भी था कि एक एम्बिसल कॉर्ड कटाई गई थी, ये वही बच्चा है। और ये बच्चे का लिंक मैं अभी आपको पूरा क्लियर नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये बच्चे का लिंक यी से है। तो ये बच्चा यहाँ रो रहा होता है, और ये जो हमारी सीईओ के अंकल की जो छोटी बहन है वो बोलती है, हे भगवान ये कितना मतलब नॉइजी है, शोर वाला है, और क्या मैं एक मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकती हूँ करके। तभी मेड आती है और बोलती है कि यंग मास्टर आप अच्छे से पेश आओ करके, और आप बहुत ही गुड बॉय हो करके, और बोलती है कि कौन गुड बॉय है, एक तरीके से वो बच्चे का मन बहला रही है, लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत रहने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी रोता है। और तभी ये बच्चे की अडॉप्टेड मदर बोलती है कि क्या उसने रोना बंद कर दिया? तभी मेड बोलती है, हाँ वो सो गया है। तो ये बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ग्रेट ये अच्छी बात है, अब उसे इधर लाओ, मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। तो मेड जो है वो लेके आती है और उसको देती है, और जैसे ही उसकी गोदी में बच्चा आता है, बच्चा बुक्का पाड़ के फिर से रोने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो हमारी सीईओ के अंकल की छोटी बहन पूछती है कि ये क्यों वापस रो रहा है, इसे वापस लेके जाओ। तभी उसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि दूध तैयार है, और वो फटाक से मिल्क बॉटल को बच्चे के मुंह में लगाने जा रहा होता है, और मेड को बोलता है कि एक काम करो, बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाओ और उसको वहाँ जाके फीड कराओ। तो ये जो मेड है बोलती है, ओके सर। तभी ये लड़की अपने हस्बैंड से बोलती है कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, और क्या इसे नहीं पता कि मैं इसकी माँ हूँ, और ये हमेशा रोने लगता है जैसे ही मैं इसे उठाती हूँ, और ये बस एक ही काम जानता है, रोना रोना, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, एक बच्चे को सेटिस्फाई करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, ये सब बहुत हुआ। तो हस्बैंड समझाता है अपनी वाइफ को कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, अभी अभी तो वो आया है, उसे बोलना नहीं आता है, तो वो रो के ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है करके, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो वाइफ बोलती है, क्या सच में? तो हस्बैंड बोलता है कि प्रिटेंड करना और पेरेंटिंग करना दोनों ही आसान जॉब नहीं होते, और हम लोग पहली बार माता पिता बने हैं तो हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। तो वाइफ बोलती है, ठीक है। और तभी हस्बैंड बोलता है कि बिग हेड जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों को उसको हमारे फैमिली मेंबर्स से मिलाना चाहिए, और हमें उसे ऑफिशियल नेम भी देना चाहिए, और उसे हमें अपने फैमिली के ट्री में ऐड भी कर लेना चाहिए। और तभी इसकी वाइफ बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमने अपना बहुत टाइम और एनर्जी इस बच्चे पर इन्वेस्ट किया है, तो हमें वाकई में दूसरों को भी बताना चाहिए कि अब हमारे यहाँ एक बच्चा है।
और मैं अपने ग्रैंड पा से पूछूंगी कि बिग हेड को एक अच्छा सा नाम दे, और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छे से नाम के साथ आएंगे घर, मतलब एक अच्छा नाम रखेंगे। और तभी उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है तो फिर हम क्या करते हैं, हम माउंटेन विज़िट करने चलते हैं उनको। तो वाइफ बोलती है ओके। अब रूरू अभी भी देख रहा है ना वो सपने में और बोलता है कि बिग हेड तुम क्यों रो रहे हो करके। फिर सोचता है कि बिग हेड जब अपना सिर हिलाता है तो रूरू सोचता है हाँ क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों रो रहे हो। तो रूरू बोलता है ठीक है तुम अपसेट मत हो, हम लोग गेम्स साथ में खेलेंगे, और क्या कहते हैं साथ में गेम खेलेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम मुझे पकड़ सकते हो, मतलब ये भागा दौड़ी का गेम खेलना चाहते हो। तो ये जो हमारा बिग हेड है जो इस वक्त डकी के रूप में है वो अपना सिर हिलाता है कि उसे नहीं खेलना। तो रूरू सोचता है कि क्या करे, तो रूरू को एकदम से आइडिया आता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ जो बहुत ही कूल है, और मैंने अभी अभी वो जगह को ढूंढा है करके। तो हमारा जो बिग हेड है वो अपना सिर हिलाता है और क्वैक करके बोलता है कि ठीक है। और तभी रूरू बोलता है कि मैंने यी को ढूंढ लिया है और चलो हम यी के पास चलते हैं। तो रूरू इधर उधर देखता है और बोलता है देखो उस तरफ जाना है हमें करके। और तभी यी और सीईओ अपने बेडरूम में होते हैं और यी बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो सीईओ बोलता है क्या तुम कुछ खाना चाहते हो सोने से पहले, और तभी बोलता है नहीं यदि मैं खाऊंगा तो हो सकता है मुझे इनडाइजेशन हो जाए करके। और एकदम से सीईओ हमारे यी के ऊपर आ जाता है और पूछता है कि क्या मैम। तो वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले ही यी ब्लश करने लगता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है और वो एकदम गहरी सी सांस लेता है करके। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बहुत करीब होते हैं और सीईओ यी को फिर किस करने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रूरू जो है वो अपने ये बिग हेड जो डकी है उसको बोलता है चलो चलो उधर चलते हैं, और दोनों भाग रहे होते हैं और रूरू आवाज़ लगाता है कि ये हम लोग इधर है, जल्दी करो और मुझे देखने आओ। अब ना हमारा सी और ये तो किस कर रहे होते हैं और ये ब्लश भी कर रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई आवाज़ सुनाई दी है करके, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है। और उतने में देखते हैं कि वो सो ही गया। अब बताओ सीईओ का किस कितना पावरफुल था कि हमारा यी सो ही गया। और सीईओ बोलता है कि शायद तुम वाकई में बहुत थक गए हो, और ऐसे कह के वो एक लास्ट किस हमारे यी के माथे पे देता है और बोलता है गुड नाइट। अब यी जो है वो उठता है और उसका ब्रेकफास्ट रखा होता है जिसमें एक बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है और फ्रेंच फ्राइज़ है, और वो बोलता है कि फ्राइड चिकन है और कितना टेस्टी है। आप लोगों को तो पता ही है ना कि यी और रूरू दोनों ही कितने बड़े फूडी हैं, पूरा समय खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब उसको फिर से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई उसे पुकार रहा है और वो देखता है कि रूरू है, और वो बोलता है ये मैं यहाँ हूँ करके। और तभी हमारा जो यी है बोलता है रूरू इधर आओ हम लोग फ्राइड चिकन खाएंगे करके। और बस इतने ही कहने की देर थी कि हमारा रूरू तो एकदम खुशी से पागल हो उठता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं यी के पैरों के पास एक स्मॉल सी डकी है, यानी ये हमारा बिग हेड है। और एक चीज़ और गाइस, ये जो बिग हेड है और जो अभी हम बच्चे बिग हेड से मिले थे ये एक्चुअली में सेम लोग हैं, एक ही पर्सन है, बस फ़र्क इतना है कि रूरू के ड्रीम्स में ये डकी होता है और वो जो सीईओ के अंकल की छोटी बहन है उसके लिए ये बच्चा होता है। तो ये जो है थोड़ा सा झटकाता है और ये जो बिग हेड है हल्का सा उसको पीप करता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और तभी ये बोलता है कि रूरू तुम्हारे पीछे कोई छोटा सा बच्चा है, वो कौन है, और बोलता है कि ये कितना क्यूट बेबी है करके।
अब देखिए हमारे बिग हेड का चेहरा एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देता है, ऑलमोस्ट यी की तरह। तो आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिग हेड कैसे यी से रिलेटेड है। और तभी रूरू बोलता है कि यी तुम इससे मिलो, ये बिग हेड है। और बिग हेड को बोलता है कि ये देखो ये यी है। और रूरू एज़ यूजुअल यी से बहुत प्यार करता है, तो बोलता है कि यी इज़ द बेस्ट, और पूरे वर्ल्ड में यी जो है सबसे बेस्ट है। और हमारा बिग हेड भी किसी तरह यी को प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है। और तभी बोलता है तुम्हारा नाम बिग हेड है और क्या तुम रूरू के फ्रेंड हो? और तभी रूरू बोलता है ये फ्रेंड व्रेंड नहीं, ये मेरा फॉलोअर है करके। और तभी बताता है कि ये मेरे को देखने आया है करके। और तभी हमारे यी के पेट में से आवाज़ आती है और वो बोलता है कि ठीक है चलो आओ कुछ फ्राइड चिकन खाते हैं। और रूरू खुश हो जाता है और दोनों फ्राइड चिकन खाते हैं। और यी वो छोटी सी डकी को, मतलब हमारे बिग हेड को, अपने गोद में उठाता है और उसको एकदम प्यार से अपने हाथ में रखता है और उसको देखता है, सहलाता है। और हमारा बिग हेड भी जो है देखिए कैसे यी की बाहों में कितना पीसफुली लेट जाता है। और फिर यी बिग हेड को टेबल पे रखता है जहाँ पर फ्राइड चिकन देख रहा होता है। और तभी यी बोलता है चलो ठीक है अब बहुत हुआ, अब हम खाना खाएंगे। तो दोनों खाना खाना चालू करते हैं। अब ये सब ड्रीम है हमारे यी का। और यानी कि सोचो रूरू तो अपने ड्रीम्स में भी खाना खाने के बारे में सोचता है, यी भी देखो फ्राइड चिकन के बारे में सोच रहा है। और सीईओ को हंसी आ जाती है और सीईओ बोलता है ठीक है कल मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन बाय करूँगा करके। अब देखिए दूसरा सीन आता है जहाँ पर मेड बोल रही है कि यंग मास्टर ने सारा दूध पी लिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हंगरी था और इसने पूरी बॉटल पी ली है और ये सो गया है करके। तो ये लड़की का हस्बैंड बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि बिग हेड भूख लगने की वजह से रो रहा है। बट गाइज आप लोग को एक चीज़ याद है ना कि रूरू में एक ऐसा पावर है जो जिसकी वजह से वो सब कुछ जान लेता है, पहचान लेता है और दूसरों को कई चीज़ें नहीं पता चलती। वैसे ही रूरू को पहले ही पता चल गया है कि बिग हेड कौन है करके। और चूंकि बिग हेड को वो यी के पास ले गया था और यी और बिग हेड के बीच में कनेक्शन है, इसीलिए ये बिग हेड आराम से सो चुका है, नहीं तो अभी भी इस औरत के हाथ में आते ही रोने लगता। और तभी हस्बैंड बोलता है कि चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं करके। और हमारा बिग हेड आराम से सो रहा है और ये आंटी जो है अभी भी बिग हेड को आराम से देख रही होती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं जिस रिपोर्टर और फोटोग्राफर को हमारे सीईओ के अंकल के बेटे ने भेजा था यी पे नज़र रखने के लिए और सीईओ पे, वो बोलता है कि आपको मेरे को मदद करनी पड़ेगी, मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था और आपने मुझे नहीं बताया कि यी का कोई कनेक्शन ही फैमिली से भी था और ये सारा स्कैंडल इसलिए चालू हुआ क्योंकि तो आपने मुझे बोला था। और अब जो ही फैमिली है वो मुझे स्यू करना मांग रही है और मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और ये सारा इल्ज़ाम मैं अकेला अपने सिर पे नहीं उठाऊंगा। तभी सीईओ का कज़न बोलता है कि तुम्हारे लिए जो ट्रबल पैदा कर रहा है वो जिन याओ है और तुम्हें अपना मुंह जो है बंद रखने की ज़रूरत है और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी रिपोर्टर बोलता है पर उन लोगों ने मुझे कहा कि वो मुझे सीव कर देंगे, इसका मतलब है कि मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा, मैंने आर्टिकल भी डिलीट कर दिया है, उनसे अपोलॉजी भी कर लिया है पर वो लोग बैक ऑफ नहीं हो रहे हैं और आपको जो है थोड़ा जल्दी सोचने की ज़रूरत है और नहीं तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगा। इतना कहते ही क्या होता है हमारा सीईओ का जो कज़न है वो फ़ोन काट देता है और ये आदमी यहाँ से बोलता रहता है मिस्टर फैंग करके। और तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यी तैयार हो चुका है। लिंग भाई पूछती है कि क्या तुम रेडी हो, तो यी बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। लिंग भाई और हमारा यी
एक साथ चलते हैं, ऑलिंग भाई बोलती है चलो चलते हैं और ये करते हैं। अब सब लोग इनकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं और तभी ये भी थोड़ा सा झुकता है और बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मैं यहाँ पर जो भी स्कैंडल हुआ था उसको सॉल्व करने आया हूँ और मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और मैं जो हूँ एक मिनट के लिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ पहले से ही करके। और बोलता है कि आज का जो प्रेस, तभी लिंग भाई बोलती है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यी और मेरे बारे में है और हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे करके। अब दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी होती है और एक रिपोर्टर पूछती है कि मिस्टर यी आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आपका क्या रिलेशनशिप है मिस ही के साथ, मतलब लिंग भाई के साथ, क्या ऑनलाइन जो र्यूमर्स चल रही हैं वो सच है, क्या आप लोग सच में कपल्स हैं। तो लिंग भाई हंसती है, बोलती है मुझे लगता है कि ये जो र्यूमर्स हैं एकदम ही बेकार सी हैं, और बोलती है कि किस जीनियस ने ये र्यूमर्स को फैलाया है और ये और हम कपल कैसे हो सकते हैं, और ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और जो रीज़न है कि मैं और ये जो है हमेशा साथ दिखाई देते हैं वो ये है कि ये और मैं कज़न्स हैं और हम ब्लड रिलेटेड है करके। और जैसे ही वो ये बोलती है सब जगह पर उसी का बैनर और पोस्टर्स जो है टीवी पे सब दिखने लगता है कि लिंग भाई ने कहा है कि ये और वो ब्लड रिलेटेड है और वो लोग कज़न्स है करके। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये लोग कज़न्स है और क्या ये सच बात है, इसीलिए ये लोग साथ में थे। तो कुछ लोग बोलते हैं तो इसने पहले क्यों नहीं पब्लिक में बताया, फिर कुछ बोलते हैं ये बहुत बड़ा न्यूज़ है करके। अब सीईओ भी ये न्यूज़ को देख रहा होता है और बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन वहीं पे उसका मैनेजर पीछे से देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे सीईओ को बोलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जॉब के टाइम पे ना देखे, और उसकी तो बाद में मीटिंग भी है, वो यही सब देखता रहेगा तो मीटिंग कैसे करेगा, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। अब तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं ये जो हमारे सीईओ का कज़न है वो भी ये न्यूज़ देखता है और उसको भी एक शॉक लगता है कि जिसे वो बॉयफ्रेंड समझ रहा था लिंग वाई का, वो बेसिकली उसका कज़न है। और यहाँ पर ये मिस वाई जो पूरा समय कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है, उसको भी एक शौक लगता है कि ये लोग ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और उसे याद आता है कि लिंग भाई ने ये भी कहा था कि वो उसकी सिस्टर जैसी है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारे मिस्टर ही और मिसेज ही भी टीवी में देख रहे होते हैं चाय पीते हुए और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ हमें पहले से पब्लिक में अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है अब कर देते हैं और इससे क्या होगा कि ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और हमें स्टूपिड कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी पड़ेगी और हमें क्या है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए यी का अप्रूवल भी चाहिए। तो मिसेस यी बोलती है कि हमारी फैमिली को मिलने में बहुत सारा समय लग गया और हमें ना कुछ थोड़ा टाइम देना चाहिए यी को जिससे कि वो ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए, और क्या कहते हैं ये एक राइट टाइम था जब हमने उसका आइडेंटिटी जो है पब्लिक में डिस्क्लोज किया है। और तभी वो ये भी बोलती है कि यदि कोई हमारे बच्चे को ऐसे अगली बार ऐसे झूठी मूठी खबर में फंसाएगा तो हम लोग उसको स्यू कर देंगे। और तभी हमारे मिस्टर ही बहुत कुड़कुड़ाते हुए रहते दांत पीसते और बोलते हैं हाँ हम सबको स्यू कर देंगे, और वो देखते हैं मतलब अपने मन में सोचते हैं कि यदि यदि मैं पहले जैसा होता तो मैं इन लोगों को बोरे में भरता और नदी में फेंक जाता। और तभी मिसेस ही बोलती हैं कि अरे तुम्हें लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। और तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लोग सोचते कि ये लोग वाकई में जो है कज़न्स हैं और मुझे मैंने इन सब रूमर्स पे बिलीव कर लिया और मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग सीक्रेटली मैरिड भी हैं करके और मैं बहुत कन्फ्यूज़न हूँ। तो ये जो बच्चा है वो किसका बच्चा है, क्या वो यी का बच्चा है, यी एंड लिंग भाई तो कज़न्स है तो ये बच्चा आखिरकार किसका है। और तभी यी जो है बोलता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग हैं जो उनका इमेजिनेशन है वो बहुत ही बड़ा है
और मैं बहुत समय से ऑनलाइन नहीं था, और मुझे लगा कि आप कुछ लोग हैं जो मुझे हर्ट करना चाहते हैं, और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि था कि आप लोग इस टाइप की सिली स्टोरी बना के उसको लेके आएंगे। और तभी लिंग भाई बोलती है कि जो मेरा कज़न है वो लो प्रोफाइल रखना पसंद करता है, और इस टाइप के र्यूमर्स जो है उसका सामना करने के लिए उसे अभी सामने आना पड़ा, और तभी कोई आप लोगों ने चारा नहीं छोड़ा था इसलिए उसे लीगल प्रोटेक्शन भी लेना पड़ा, और हम जो है जस्टिस ढूंढेंगे, और जिसने भी ये खबर र्यूमर फैलाई है हम उसे कोर्ट केस तक ले जाएंगे। अब ये बात सुनती है, ये लड़की भी सुनती है कि इन लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो ये लड़की घबरा जाती है और सोचती है कि अब ये भी शायद इसको भी स्यू कर दिया जाएगा, और तभी ये देख रही होती है कि कितने सारे लोगों ने इस पोस्ट को रीपोस्ट किया है, और सोचती है कि शायद इन सब के चक्कर में मुझे कोई पकड़ में नहीं आऊँगी करके, और वो सब डिलीट करने लगती है और सोचती है कि अब डिलीट कर दिया तो अब तो और कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये बोलता है कि मुझे किसी भी प्रकार का ट्रबल नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसे र्यूमर फैलाएं और मैं सामना भी ना करूं, और मैं जानता हूं कि कुछ लोग डेलिबरेटली मुझे ऐसे मतलब र्यूमर्स फैला रहे हैं और मैं उन लोगों को फेस करूंगा करके, और जिन लोगों ने ये र्यूमर्स फैलाई है कि मैं सीक्रेटली मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, मेरे काउंटलेस अफेयर्स हैं करके, मैं उन लोगों को ढूंढूंगा और उनके फेस करूंगा करके, और मैं अपना रेपुटेशन किसी भी कॉस्ट पे बचाऊंगा और मैं उन लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब ये लड़की ये पढ़ती है, और इधर पे हमारा सीईओ का कज़न भी पढ़ता है, और सीईओ का कज़न सोचता है कि यदि ये वाकई में लिंगवाई का कज़न है तो इसका भी फिर फैमिली में शेयर होगा। अभी तक ये सोच रहा था कि यदि ये लिंगवाई से शादी कर लेगा तो पूरी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, लेकिन चूंकि यी भी मेंबर है तो ऑब्वियसली यी के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी जाएगी, और दूसरी तरफ सीईओ बड़ा खुश हो रहा होता है। दूसरे लोग बोलते हैं कि यी बहुत ही टफ है और बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये सारे र्यूमर्स जो हैं यी के बारे में फॉल्स होंगे करके, और तो बहुत सारी बातें चलती है कि मुझे लगा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जैसे र्यूमर चल रहे हैं उससे ही बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन देखो उसने सबको एक ही बार में किल कर दिया, और कितना कॉन्फिडेंट है और अपना इनोसेंस भी प्रूव कर रहा है करके, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सारे लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट होंगे। वहाँ रैन रैन भी ये न्यूज़ देखता है और सोचता है कि यी इन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है, और बहुत खुश होता है वो यी के लिए। तो एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको एतराज़ है कि आप मुझे बता सकते हैं क्या कि वो बच्चा किसका है और आप किसके साथ उसको पार्क में लेके गए थे, क्या वो आपका बच्चा है? तो ये बेचारा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन अपने मन में सोचता है और फिर आंसर देता है कि नहीं, वो मेरे दोस्त का बच्चा है, और अपने मन में कहता है कि रूरू सॉरी, मैं दुनिया को नहीं बता सकता कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखता हूँ करके। तो दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि लेकिन फैंग ग्रुप के लोगों ने तो क्लेम किया है कि रूरू जो है उनका बच्चा है, तो उसके फादर का नाम क्या है? ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो ये बोलता है कि मैं आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकता, ये फैंग ग्रुप का मामला है, वो लोग खुद ही आके अनाउंस करेंगे, और मैं यदि अनाउंस करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और तभी कुछ पूछते हैं कि मिसी आपने मिस्टर यी के बारे में बोला जो कि आपके कज़न है, लेकिन आपकी फैमिली के हिसाब से तो आप कुछ लोग इनका नाम जो है रजिस्टर नहीं किया गया है। तो लिंग भाई बोलती है हाँ, हमारी जो फैमिली है उनमें कई लोगों का नाम पब्लिकली रजिस्टर नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोग अपनी पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो जो मेरी जो आंट है वो मेरे फादर की यंगर सिस्टर है, और वो मीडिया के साथ डील नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको कभी उनका नाम पब्लिकली रजिस्टर नहीं किया गया, और फैमिली के लोगों ने भी इस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट किया और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते गए। यदि इस तरह की न्यूज़ और र्यूमर्स फैली नहीं होती तो वो अभी भी मतलब दुनिया से छुपी ही रहती, और तभी लोग बोलते हैं ठीक है हम समझ गए, और वो लोग बोलते हैं कि तो यी की मदर जो है वो मिस्टर यी की सिस्टर है, और तो कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई,
और बेचारा ही इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे थक जाता है और बोलता है कि मुझे लग रहा था कि अब हम लोग ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन कितने सारे क्वेश्चंस है, सोचता है कि अभी भी कितना क्लियर करना है। अब क्या होता है कि ये दोनों कपल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चा है। तो जो इनके ग्रैंडफादर है वो टी कप को रखते हैं, बोलते हैं तुमने क्या कहा फिर से कहो। और तो वो लोग दिखाते हैं कि ये देखिए ग्रैंडफादर है, ये हमारा बच्चा है और हम चाहते हैं कि हम इसका नाम फैमिली रजिस्ट्री में करें और हम ये भी चाहते हैं कि आप इसे कोई नाम दें। लेकिन चूँकि इनके यहाँ तो बहुत लोगों के पास स्पेशल पावर है, अब ये जो रूरू के ग्रेट ग्रैंडफादर है इनके पास भी एक स्पेशल पावर है कि इनको भी कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये अपने मन में इसको पता चल ही जाता है और ये बोलता है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है करके। एक्स्ट्रा भी समझा देती हूँ, हमारा रूरू, ये एक्स्ट्रा स्टोरी है, इसका इस पेज से कुछ लेना देना नहीं है। और तो रूरू जो है वो अपने ही सपनों में है और बोलता है कि ये मेरा न्यूली डेवलप्ड मैजिक है और ये बहुत ऑसम है, मार्वलस है और ये मिस्ट्रियस भी है। और फिर उसके बाद वो फिर से सपने में देखता है कि उसका जो मैजिक है उसका नाम है फ्राइड चिकन मैजिक। अब क्या है, ग्रैंडफादर जो होते हैं वो इस लड़की को बोल देते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो ये लड़की थोड़ा हंसती और बोलती है हाँ इसे मैंने जन्म नहीं दिया है लेकिन ये मेरा ही बच्चा है और हमारे फैंग फैमिली का ही ब्लड लाइन है इसमें भी। तो फिर से ग्रैंडफादर पूछते हैं तुम्हारा बच्चा है और ये फैंग फैमिली के ब्लड लाइन का बच्चा है। तो अपने मन में बोलते हैं वो कि तुम्हें कभी भी बच्चे पैदा नहीं होंगे इस लाइफ टाइम में और ना ही कोई तुम्हारे पास अडॉप्टेड चाइल्ड होगा और ऊपर से फिर भी तुम ये बच्चा लेके आई हो और ये कितना ऑड है, कितना वियर्ड है। और तभी ये लड़की ना उस बच्चे को उसकी गोद में रखते हुए बोलती है कि ग्रैंडफादर आप इस बच्चे को नाम दीजिए। और ये बच्चा जो है एक महीने का हो गया है और हम लोग ना इसका सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कि ये एक महीने का हो गया और तभी हम इसको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे। और तभी जो ग्रैंडफादर है बोलते हैं तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस बच्चे में जो इस बच्चे का जो ब्लड लाइन है वो हमारे ब्लड लाइन का है करके। तो फिर ये किस ब्रांच की फैमिली से आया है ये बच्चा और तुमने कहाँ से इसे अडॉप्ट किया है करके। और ये जो बच्चे का बर्थ का मैटर है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है और जो फैमिली है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और तभी ये लड़की बोलती है कि ग्रैंडफादर आपको तो पता है कि मेरा हेल्थ कितना पुअर है और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं शादी किए हुए और मैं एक बच्चा चाहती थी जो मेरा खुद का हो बट मेरे हेल्थ की वजह से ऐसा कभी हो नहीं सका और हमने बहुत बार ट्राई किया लेकिन कभी हम बच्चा नहीं ले कर पाए। तो हमारे जो होप्स थे वो सब मिट्टी में मिल गए लेकिन हमारा एक कज़न है जिसने मेरी ये प्रॉब्लम को समझा और उसी के एग से फर्टिलाइजेशन से ये बच्चा पैदा हुआ है और एक क्लिनिक ने हमें इसे कल्टीवेट करने में मदद किया और अब जो है ये हमारा बच्चा है। और पहले तो मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था लेकिन मैं बाद में तैयार हो गई और जैसे जैसे मेरी एज होती जा रही है मैं वैसे वैसे सोचती हूँ कि मेरी डेथ भी जल्दी आएगी करके और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये बच्चा पैदा कर लेती हूँ करके, मतलब अडॉप्ट कर लेती हूँ। और बहुत सारा सोचने के बाद मैंने सोचा कि आर्टिफिशियल वूम का जो प्रोसेस है, मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब वाला प्रोसेस है वो इनके लिए बेस्ट रहेगा और इसी के द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ है करके। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम्हारी बातें जो हैं वो सेंस नहीं बना रही है और ये इम्पॉसिबल है कि ये चाइल्ड तुम्हारा है करके। और वो अपने मन में सोचते हैं क्या किसी चीज़ की वजह से तुम्हारा भविष्य बदल गया है क्या। और तभी बोलते हैं कि ठीक है मुझे देखने दो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने दो और मुझे उसका
भविष्य पढ़ने दो। तो लड़की ना बहुत खुश होती है और अब वो पर्ची को निकालती है और बोलती है कि ये देखो ये सब आपका है और इसके अंदर सब डिटेल है करके। तो हस्बैंड बहुत खुश होता है, बोलता है थैंक यू ग्रैंडपा, और आप ना इसको बहुत अच्छा सा नाम दीजिए और इसको ना आशीर्वाद दीजिए। और तभी हमारे ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं कि इसका कोई निक नेम भी है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हाँ, और इसका नेम जो है वो बिग हेड है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं बिग हेड ये नाम किसने सोचा? तो इसका हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ ने सोचा, और वाइफ बोलती है कि हाँ मैंने सोचा। अब वाइफ अपने ख्यालों में खोई होती है और तभी बोलती है कि मुझे अभी भी याद आता है कि मैं इसे कुछ और बुलाना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू कॉल हिम, वाई कांट आई रिमेम्बर, मतलब मैं उसको क्या बुलाना चाहती थी, अब मैं क्यों रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ। तो जो ग्रैंडफादर बोलते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। और देखते हैं और बोलते हैं कि पहली बात तो ये बच्चे को बॉर्न ही नहीं होना चाहिए था और इसका कोई होप भी नहीं था बॉर्न होने का, और किसने इस बच्चे का भविष्य बदल दिया, और क्या ये नेम, तभी वो पूछते हैं कि ये जो निक नेम है बिग हेड ये इसको पहले दिया गया था कि इसके पैदा होने के बाद दिया गया था? तो लड़का बोलता है कि पैदा होने के बाद, और बोलता है कि हमने इसको ये जो है नाम दिया जब वो पैदा हुआ और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ करके। और पूछते हैं क्या कुछ गड़बड़ है? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं, और अपने मन में सोचते हैं कि ये कितना अजीब है, और बोलते हैं कि नॉर्मली जो बच्चे कभी भी पैदा होने के लिए नहीं बने होते हैं करके, उनको एक मास्टर की ज़रूरत होती है और वही उनको नाम देते हैं और वही उनका फेथ जो है चेंज करते हैं, और तभी वो लोग जो है सक्सेसफुली अपना लाइफ जी सकते हैं। और जो बच्चे का बॉन्ड और मास्टर का बॉन्ड होता है वो बहुत ही अनब्रेकेबल होता है करके, लेकिन जो बच्चे का फेट है यानी भविष्य है उसका कुछ भी लेना देना यूयान के साथ नहीं है, मतलब इस लड़की के साथ नहीं है। और जो यूयान है वो उसको कभी भी ये नाम भी दे नहीं सकती है। तो ये लड़की यूयान जो हमारे सीईओ के अंकल की छोटी बहन है वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, पूछती है कि ग्रैंडपा का क्या मतलब है, मैं क्यों नहीं उसे नाम दे सकती करके। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन है जो उसे नाम दे सकता है, और तुम ठीक से सोचो और तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसको वाकई में ये निकनेम किसने दिया है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये निकनेम तो रूरू ने दिया है, और रूरू हर किसी का भविष्य बदल देता है। उसने अपने डैड को मतलब अपने ग्रैंडफादर का कैंसर भी ठीक किया करके, तो वैसे ही तो बेसिकली बिग हेड नाम जो है वो रूरू ने दिया है, क्योंकि रूरू कई चीज़ें देख सकता है और उसमें कुछ पावर्स भी हैं, और इसी वजह से इन लोगों ने भी ये नाम बच्चे को बिग हेड दिया है। और तभी हमारे जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बच्चा तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तो जो टाइम आएगा तब तुम इसे जाने देना और इसे तुम फोर्सफुली रोकने की कोशिश मत करना। यदि तुम इसे फोर्सफुली रोकोगी तो इससे तुम्हारा फ्यूचर जो है वो हार्म होगा। तभी लड़की बोलती है कि ग्रैंडफादर आपका क्या मतलब है? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं जो भगवान है और वो ऊपर से सब देख रहे हैं, उनको तुम्हारे मूव्स की तुम्हारे प्रतिक्रिया की सब कुछ खबर है, और तुम जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ करके। और तभी ये भी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम बच्चे को नाम देने की कोशिश मत करना जब तक तुम ये पता ना लगा लो कि किसने इस बच्चे को तुम्हारे घर में गाइड किया है और किस के गाइड करने की वजह से तुमने इसे बिग हेड नाम दिया है, और मैं भी इस इंसान से मिलना चाहता हूँ करके जो
लोगों का भविष्य बदलता है करके। अब क्या होता है, घर दिखाते हैं, सवेरे हो जाती है, घी आता है और बोलता है रू उठो अभी काफ़ी देर हो गई है और टाइम टू गेट अप स्वीटी करके। तो रूरू बोलता है कि मैं तो अभी गेम्स खेल रहा था बिग हेड के साथ, वो बहुत सीली है। और तभी ये बोलता है कि तुम सिर्फ एक ड्रीम देख रहे थे और तुम्हें अब उठने की ज़रूरत है और तुम्हारा इंग्लिश ट्यूटर अभी यहाँ आने वाला है। तो रूरू बोलता है ओके, और फिर अपना ब्रेड खाते हुए सोचता है कि बिग हेड जो है वो कितना सीली है और उसे तो गिनती करना भी नहीं आता है, और मैंने उसे कितनी बार समझाया पर वो फिर भी गिनती करना नहीं सीख पाता। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये रूरू जो है किसी और को गिनती करना सिखा रहा है जबकि इसको खुद को गिनती करने के लिए अपने दोनों हाथों के फिंगर्स गिनने पड़ते। तभी सीईओ हंसता है और बोलता है कि तुम किस बिग हेड के बारे में बात कर रहे हो। तो और रूरू बीच में बैठ के नाश्ता कर रहा होता है और बोलता है कि वो जो है करके, और फिर इशारों इशारों में बात करने लगता है। और तभी ये लोग सोचते हैं कि बिग हेड नाम जो है थोड़ा फैमिलियर सा लग रहा है और मैंने इसे पहले भी कहीं सुना है। और ये लोग बोलते हैं हाँ हमें ऐसा लगता है कि हमने ये नाम पहले सुना है। और तभी रूरू बताता है कि वो बहुत ही छोटा है, उसके पाँव भी बहुत छोटे हैं लेकिन वो बहुत गोरा है करके। और तभी ये सोचता है कि मुझे फीलिंग है कि जो बिग हेड है वो ऐसा नहीं दिखता है करके। ये भी अपनी आंखें बंद करता है और अब उसको एकदम से इमेज रिफ्लेक्ट होता है कि उसके हाथ में एक बच्चा था और वो भी फ्राइड चिकन खा रहा था। और फिर वो बिग हेड अपने मन में सोचता है और सोचता है कि बिग हेड जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही छोटा बच्चा है करके। अब क्या होता है, ये लड़की अपने हस्बैंड के साथ घर आ जाती है और बहुत गुस्से में होती है और चीज़ें इधर उधर तोड़ने लगती है। और तो हस्बैंड बोलता है कि युयान युयान तुम रुक जाओ, तुम बिग हेड को डरा रही हो। और तभी इसकी वाइफ बोलती है कि ग्रैंडफादर का क्या मतलब था, क्या वो मेरे को नीचा देख रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है फैंग फैमिली का सरनेम नहीं रख सकता और क्या ये हमारी फैमिली में डिज़र्व नहीं करता है। अब मुझे दिखाई देता है कि मैं एक ऐसी बेटी हूँ जिसको दूसरी फैमिली में ब्याह दिया गया है और मेरे बच्ची को इनका फैंग सरनेम को अपने नाम के पीछे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसका हस्बैंड समझाने की कोशिश करता है कि नहीं तुम ऐसा मत सोचो युयान, तुम गलत सोच रही हो और ग्रैंडफादर का ऐसा मतलब नहीं था। और तभी लड़की बोलती है कि यदि ऐसा मतलब नहीं था तो उन्होंने बिग हेड को एक प्रॉपर नेम क्यों नहीं दिया और बिग हेड को उन्होंने फैमिली ट्री में भी ऐड नहीं किया और मैं अपना खुद का बच्चा क्यों नहीं कर सकती। और यदि वो बिग हेड को एक्सेप्ट कर लेते तो वो हमारे घर का एक अकेला वारिस होता और लेकिन दूसरे जितने भी एल्डर्स हैं और कोई भी हमारे को फिर कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था किसी भी चीज़ को लेके। और बिग हेड का भी जो फेट होता वो सेम होता और उसको भी जिन्याओं की तरफ सारे फैमिली के राइट्स मिलते। और क्या कहते हैं, मैं उससे फाइट करती कि मेरे बच्चे को ज़्यादा राइट्स मिले फैमिली के। तो जब जिन याओ जो है यानी हमारे सीईओ, जब उनकी मदद दादाजी कर सकते हैं तो हमारे बच्चे की क्यों नहीं कर सकते। तो उसका हस्बैंड बोलता है हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और लेकिन तुम्हें पहले काम डाउन होने की ज़रूरत है। और तभी दिखाते हैं कि बेबी रोने लगता है। तो ये लेडी बोलती है हाँ बस रो रो, इसके अलावा कुछ मत करो और सारा दिन बस रोते ही रहो और तुम्हें लाने के लिए इस दुनिया में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम कितने यूज़लेस हो। ये सारे कठोर शब्द वो एक बच्चे से कहती है जबकि वो बच्चा तो बेचारा कुछ समझ भी नहीं सकता। तो हस्बैंड बोलता है कि युवान ऐसा मत करो, ये बच्चा जो है बहुत ही इनोसेंट है करके, इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है और तुम उस बच्चे को ऐसे ब्लेम नहीं दे सकती हो करके।
और तभी लड़की को याद आने लगता है कि कैसे दादाजी ने कहा था कि कभी भी तुम्हारे और इस बच्चे के बीच में एकदम स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनेगा, और यदि टाइम आए जब कभी कोई इसे लेने आए तो तुम इसे जाने देना, इसे फोर्स मत करना, और जो तुम्हें जो है हेवेंस जो है तुम्हारा एवरी मूव देख रहे हैं करके। ये सारी बातें हमारी यूयान याद करती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ग्रैंडफादर को कुछ पता है, तो उसका हस्बैंड बोलता है क्या। तभी ये औरत बोलती है कि उन्होंने कहा कि हेवेंस जो है हमारे एवरी मूव को देख रहे हैं, और मेरे और बिग हेड के बीच में कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, और ये और उसको ये भी कहा ग्रैंडफादर ने कि इसको हमें जाने देना चाहिए, क्या उन्हें पता है कि ये बच्चा किसके यहाँ से आया है। लेकिन ये जो बच्चा है ये जिन याओ का फर्टिलाइज्ड है के जो हमने चुराया है, क्या ये सब चीज़ें दादाजी को पता हैं क्या, और इन सब के पीछे मेरा हाथ है करके। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी घर है वो हमारा बच्चा है और इसका कुछ भी लेना देना जिन याओ से नहीं है, समझ में आया तुम्हें। तो लड़की बोलती है ठीक है ये हमारा बच्चा है। तभी मेड बोलती है कि इस बच्चे को मुझे दो, और बच्चे को वो अपने गोद में लेके बोलती है कि बिगेट अब तुम रोना मत करके, और तुम्हें जो है बहुत स्मार्ट होना है, तुम कभी भी जिन याओ की तरह पे फूल नहीं हो सकते, यानी हमारे सीईओ की तरह बेवकूफ़ नहीं हो सकते, और तुम्हें जो है हमारे सीईओ जो क्या कहते हैं बिज़नेस वगैरह में इतना स्मार्ट है वैसा होना है करके। और तभी अपने मन में सोचती है कि मैं वो सब देखना चाहती हूँ जो मेरे सन के लिए अच्छा हो करके, और वो उसकी सबको तारीफ करनी चाहिए, और इस तरह मैं फिर फैमिली के राइट्स के लिए फ़ाइट कर सकूँगी। तो बच्चा ना आंखें खोलता है और देखता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं बॉर्न स्टार एंटरटेनमेंट, और वहाँ पर पता चलता है कि कोई दूसरी तरफ बॉर्न स्टार एंटरटेनमेंट दिखाते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया होता है, और बहुत ही सीरियस एटमॉस्फेयर होता है, और तभी लोग बात करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो होने वाला है करके। और तभी ये जो कज़न है और कज़न की माँ है वो बैठी होती है और सोच रही होती है कि यहाँ कुछ तो रिकवर करने वाले हैं करके, और हो सकता है कि कोई तो सीईओ के जो कंपनी में राइट्स हैं उसको वापस लेगा करके। और तभी ये जो हमारी छोटी बहन है अंकल की, वो अपने मन में सोचती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चा भी बहुत छोटा है और उसके के ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देने चाहिए। तो हमारे ग्रैंडफादर जो है वो बोलते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और मुझे बिलीव है कि आप लोगों ने पब्लिक स्टेटमेंट वगैरह भी पढ़ा होगा। तो जो फैंग ग्रुप का जो चाइल्ड है वो एक्सपोज हो गया है करके, मतलब रूरू की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है, और बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ था वो मेरे कहने पर रिलीज़ हुआ था, और हम लोग आज हमारे फैमिली के मेंबर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं करके। और बोलते हैं कि ये जो रूरू जो बच्चा है वो मेरे एल्डेस्ट ग्रैंडसन जिन याओ का बच्चा है, यानी हमारे सीईओ का। तो सब लोग बोलते हैं हाँ क्या हुआ जिन याओ सन, तो ये लेडी भी बोलने ये नहीं दूसरा आदमी बोलने लगता है कि इसका बच्चा कब से हुआ। दूसरा बोलता है मुझे नहीं पता, और ये आंटी सोचती है कि ये जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा जिन याओ से मिलता जुलता है, और मुझे ऐसा लगा था कि ये स्टेटमेंट जो भी बनाया गया है वो फाल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी हमारा सीईओ रूरू के साथ आता है और रूरू बोलता है कि मुझे आप लोगों से मिलके खुशी हुई करके, और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जो है यिन यान फैंग है और तुम लोग मुझे रूरू के नाम से पुकार सकते हो।